बलि को बनाया गया दैत्यों का राजा। अब यहाँ पर राजा परीक्षित कहते हैं कि बड़े बड़े दैत्य थे, बलि को ही क्यों बनाया गया? बोले क्योंकि उसी के कारण 3 लोक 14 भुवन वापस मिला। कैसे? राजा बलि अपने पिछले जन्म में एक डकैत थे। उनको पता चला कि किसी गांव में कोई सेठ जी बहुत सा धन लेकर जा रहे हैं। उसने सोचा इसको चुरा लेता हूं, फिर जिंदगी भर चोरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो रास्ते के लिए 2 रोटियां बांध के ले जाते हैं पोटली में। चले जा रहे हैं स्थान पर पहुंचते हैं। सेठ जी को आने में थोड़ी देर थी, तो उन्होंने सोचा भोजन कर लेते हैं। अपनी पोटली खोलते हैं कि सामने एक कुत्ता आता है, भूखा है, वो रोटी की ओर देख रहा है। बलि ने अपनी एक रोटी उसे दे दी, उसने तुरंत खा ली। फिर वो वापस आ गया, फिर वो रोटी की ओर देख रहा है। बलि ने दूसरी रोटी भी उसे दे दी। इस पूरे कार्य को करने में कुल 24 मिनट लगे। कितने मिनट? 24 मिनट, यानी एक घड़ी। उसके बाद वो जो काम करते, चोरी डकैती करते रहे। अंत समय आया, ऊपर पहुंचते हैं। यमराज ने चित्रगुप्त से कहा, बताओ कितने पुण्य कितने पाप किए इसने। चित्रगुप्त ने कहा, जिंदगी भर पाप ही पाप किए, केवल 24 मिनट का पुण्य किया, एक भूखे को भोजन करवाया। यमराज कहते, पहले क्या भोगना चाहते हो, पाप की पुण्य? शुक्राचार्य जी सामने से जा रहे थे। शुक्राचार्य जी ने कहा, कह दो पुण्य। बलि ने कहा, पुण्य क्या करना है? बोलो, कह दो इंद्रासन पर बैठना है। बलि ने कहा, इंद्रासन पर बैठना है, ठीक है। इंद्र को समझाया गया, 24 मिनट की तो बात है, लेकिन आसन पर बैठने से पहले शुक्राचार्य जी ने कहा, कानों में कुछ कहा कि ऐसा ऐसा करना। उसने कहा, ठीक है, मैं यही करूंगा। लेकिन जैसे ही आसन पर बैठता है कि बुद्धि सब भूल गया। अप्सराओं से कहता है, नृत्य करके दिखाओ, भोजन लेकर आओ, कपड़े लेकर आओ, ये करो वो करो। 10 मिनट उसने ऐसे ही गुजार दिए। शुक्राचार्य जी कहते, क्या करने को भेजा था, क्या कर रहा है? सिर्फ 10 मिनट और बचते हैं, तो नीचे एक छोटा सा पत्थर पड़ा था। शुक्राचार्य जी ने उठाया और खींच के उसके सर पर मारा। उसको चोट लगती है तो याद आता है, मुझे क्या करना है। वो कहता है, गुरु जी इधर आइए। शुक्राचार्य जी आते हैं, जल दीजिए, जल देते हैं। बलि कहते हैं, ये 3 लोक 14 भुवन, इसका मालिक अभी मैं हूं। सबने कहा, 10 मिनट के लिए तो हो। तो बोले, ये 3 लोक 14 भुवन मैं अपने गुरु जी को दान में देता हूं। तीन लोक 14 भुवन दैत्यों को शुक्राचार्य जी को दान में दे दिया। इसीलिए बलि को दैत्यों का राजा बनाया। हाय फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करिए वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।